चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। पंचायतों में सुबह 7 से लेकर दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। नगरीय निकायों में 7 से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। नगरीय निकायों में 20 पार्षद पद के लिए उपनिर्वाचन, 9,220 पंच, 56 सरपंच पदों के लिए उपनिर्वाचन हो रहा है। 15 जनपद और एक जिला पंचायत सदस्य के लिए उपनिर्वाचन। नगरीय निकायों की 9 जनवरी को सुबह 9 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। वहीं बलवाड़ी में भी सरपंच पद के लिए उपचुनाव हो रहा है, जहां 12 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पूर्व सरपंच रीना पवार के निधन के बाद उपचुनाव कराया जा रहा है। करीब 6,800 मतदाता हैं। हालांकि ठंड की वजह से मतदान केंद्रों पर भीड़ कम नजर आ रही है, लेकिन फिर भी लोग निकल रहे हैं मतदान के लिए। 12 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है। करीब 6,800 मतदाता हैं बलवाड़ी में, और सुरक्षा व्यवस्था भी मतदान केंद्रों पर काफी कड़ी की गई है। भोपाल के वार्ड नंबर 41 में उपचुनाव हो रहा है, जहां पर वोटिंग के लिए 27 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वार्ड की सीट पार्षद मोहम्मद सगीर के निधन के बाद खाली हुई थी। 9 जनवरी को नगरीय निकायों का रिजल्ट जारी किया जाएगा।